उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी एवं सहकारिता ने रविवार शाम मथुरा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आगरा और अलीगढ़ मंडलों के अपने विभागीय अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक ली। इससे पहले भी वे यहां पर दो बार मंडलीय समीक्षा बैठक ले चुके हैं। बैठक में आगरा मंडल के आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी और अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, कासगंज एवं एटा जनपदों के आबकारी और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। समीक्षा के दौरान दोनों मंडलों की दोनों विभागों की स्थिति आमतौर पर संतोषजनक पाई गई। आगरा मंडल में मथुरा और अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़ पहले नंबर पर रहा। मथुरा के आबकारी विभाग की स्थिति तो ऐसी रही कि उसके अगस्त माह में पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर रहने की संभावना है। समीक्षा बैठक के बाद नियो न्यूज से विशेष बातचीत में प्रमुख सचिव श्री अटूरिया ने अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में बताया और समसामयिक सवालों के जवाब भी दिए, जबकि कुछ सवालों से वे बचते नजर आए। प्रमुख सचिव आबकारी सहकारिता एवं नियुक्ति कार्मिक किशन सिंह अटूरिया हमारे साथ हैं। आपने यहां पर मथुरा में आज एक बार फिर से अलीगढ़ और आगरा मंडल की समीक्षा बैठक ली, अपने दोनों विभागों की, आबकारी और सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा की आपने। आपने आज समीक्षा में क्या पाया अटूरिया साहब? एक्चुअली में जो हमारे आगरा और अलीगढ़ मंडल हैं, ये आबकारी के लिहाज से भी और सहकारिता के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण मंडल हैं। और विशेष रूप से मैं आपको पहले आबकारी के बारे में बता देता हूँ। आबकारी विभाग में जो रेवेन्यू का स्रोत है वो हमारा देशी मदरा है, विदेशी मदरा है, बियर है और मॉडल शॉप है और भांग है। इसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा जो MGQ है देसी शराब का, वो समय से उठ जाए। तो हमारे जो आगरा मंडल के जनपद हैं उनमें MGQ एकाध जनपद को छोड़ करके बाकी सभी जगह उठ गया है, और जहां नहीं उठा है वहां पर उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि MGQ हमारा उठ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक विदेशी मदरा का सवाल है, हमारे चारों जनपद आगरा मंडल के उनमें जो विदेशी मदरा है उसमें वृद्धि हुई है उपभोग में। ये वृद्धि 150% 200% से लगभग 150% से तक है, और ये अच्छा साइन है। कम हुए इसलिए रेट चूंकि कम हुए हैं और रुझान भी लोगों का विदेशी मदरा की तरफ गया है। बियर जी की उतनी वृद्धि नहीं हुई है शायद। बियर से रुझान कम दिखाई दे रहा है। तो हमारा ये प्रयास है, हमने ये निर्देशित किया है कि हमारा गिरना नहीं चाहिए, कुछ इस तरह की रणनीति बनाई जाए जिससे कि जो राजस्व है उसमें कमी ना आए और हमारा राजस्व है जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाए। राजस्व की स्थिति तो वैसे आगरा मंडल की तो अच्छी है। हमने राजस्व का भी किया है, समीक्षा किया है, उसमें जो क्रमिक स्थिति है उसमें हमारा मथुरा पहले नंबर पे है। मथुरा में 100% लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है और बाकी जो हमारे तीन जिले हैं आगरा के उनमें भी 90% से ऊपर हैं। इसी के हिसाब से तो मथुरा शायद उत्तर प्रदेश में ही पहले नंबर पर हो तो शायद। उसमें कहीं पे 97% है, कहीं 95% है, कहीं 93% है, इस तरह की स्थिति है। तो रेवेन्यू के हिसाब से हमारा ये मंडल है, आगरा मंडल है, काफी ठीक है और सुधार की गुंजाइश है। यानी सभी अधिकारी लगे हुए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले महीनों में अच्छी रेवेन्यू लक्ष्य के मुताबिक मिलेगी हम लोगों को। जहां तक अलीगढ़ की बात है, अलीगढ़ में भी MGQ उठा है। एकाध जगह जहां पर उठने में देरी हुई है उसके लिए भी सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है और रेवेन्यू में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है और हमें पूरा भरोसा है कि वहां भी रेवेन्यू हमारा ठीक रहेगा। लेकिन हमारे अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि इस पर कड़ी नजर रखें और सतत रूप से निरीक्षण करते रहें। सबसे अच्छी बात हुई है वो ये है कि जो इन्फोर्समेंट का काम हुआ है उसका असर अब दिखने लगा है। जो रेड्स डाली गई हैं, जो चेकिंग किया गया है, जो टीम बनाई गई है जिला प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से, उससे जो अवैध शराब की बिक्री होती थी या जो अड्डे थे उन पर काफी अंकुश लगा है। और हमने और निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा
चेकिंग की जाए, रेड डाली जाए और ऐसे स्थानों को, ऐसे लोगों को और ऐसे अड्डों को चिन्हित किया जाए जहां पर इस तरह की घटनाएं पहले हुई हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जाए या अन्य अभिसूचना के माध्यम से जो प्रकाश मारे हैं उन पर भी कड़ी नजर रखी जाए और समय समय पर वहां पर रेड डाली जाए, वहां पर उपस्थिति हमारी दर्ज कराई जाए जिससे कि ऐसे लोगों की जो कृत है उस पर अंकुश लगे और वो हिम्मत ना कर सके। एक हमने ये भी अधिकारियों को निर्देशित किया है, चूंकि ये जो अवैध शराब है, कभी कभी उसमें जहरीली शराब जो हम लोग कहते हैं, इससे काफी जनहानि हो जाती है और इसमें मिथाइल जो अल्कोहल होता है उसको भी हम अल्कोहल ही बोलते हैं, लेकिन मिथाइल एक तरह का जहर होता है, मिथाइल है एक तरह का जहर होता है और ये जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें उपयोग होता है, लेकिन कहीं से कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं और वो यदि किसी आम आदमी के हाथ पड़ जाए और उसको वो गलती से पी जाए ना समझी से, तो वो दो ही उसके कारण है, या तो उसका यानी कि उसको जान गंवानी पड़ सकती है या फिर शारीरिक विकलांगता हो सकती है जिसमें अंधापन भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि जिस तरह से मथुरा में प्रयास किया गया है और स्लाइड्स चैनल्स पे चलाया गया है या प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया का सहारा लिया गया है, उनका सहयोग लिया गया है, इस तरह का प्रयास होना चाहिए जिससे कि आम लोगों में जागरूकता रहे और उनसे अनुरोध किया जाए कि भाई आप जो भी मदरा का उपयोग करें वो सरकारी जो दुकान है उनसे ही करें, सरकारी दुकानों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से इस तरह की देशी या विदेशी देशी मदरा का यूज ना करें। अब जा रहे हैं प्रमुख सचिव महोदय कि अवैध शराब के अड्डों को खत्म किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और पूर्व में भी ये कार्यवाहियां हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद एटा जैसी घटना हो जाती है, 3 दर्जन करीब लोग मारे जाते हैं और इससे कहीं अधिक लोग अन्य अपना बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, आंखों की रोशनी। वही मैं आपको बता रहा था, एक्चुअली वे जो घटनाएं सब इस तरह की, जो मिथाइल अल्कोहल है वो कहीं गलती से या ये पहुंच जाता है तो उसके कारण से घटनाएं होती हैं, तो हमारा ये प्रयास है पब्लिक को जागरूक करना। बाकी मृतक संख्या वैसे अब कहां तक पहुंच चुकी नहीं, अब तो वो तो उस समय का था, उसके बारे में तो पूरा जानकारी दी गई है मीडिया को, प्रेस को, तो वो उस पर उसको रोकथाम के लिए और उस पर प्रभावी कार्रवाई हम लोगों ने किया है, पुलिस और संख्या बढ़ती रही थी ना, टोटल मतलब आपकी संज्ञान में क्या लाई गई है? नहीं, वो पूरी रही थी, उसके बारे में पूरा 3 दर्जन ही है सूचना गई थी और उसमें काफी कैजुअलिटी हुई थी, काफी दुखदायी घटना थी और उस पर रोकथाम के लिए हम लोगों ने आबकारी आयुक्त को भी निर्देशित किया है, फील्ड के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस तरह की दुर्दनाक घटनाएं नहीं होनी चाहिए और उस पर कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जनता को जागरूक किया जाए और लोगों को बताया जाए कि जो भी सेवन करें मदरा का, उसमें लापरवाही किसकी पाई गई? इसमें एक्चुअली में इसका पूरा जांच चल रही है, अभी जिलाधिकारी महोदय भी जांच करा रहे हैं, हमारा आबकारी विभाग भी जांच करा रहे हैं, हमने जो लापरवाही वगैरह है, जो उस क्षेत्र में अधिकारी वगैरह थे उन्होंने समय से चेकिंग नहीं किया, उनके संबंध में जो लापरवाही वगैरह हुई है, जो हमारे पास में रिपोर्ट थी, शासन ने उन अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई भी किया है, उन अधिकारी थाने के पीछे चल रहा था ये गोरख धंधा और मथुरा में भी 2-1 स्थान ऐसे हैं जहां पर थानों के पीछे ही ऐसे मामलों में पूरा कंट्रोल रहेगा, इसमें पुलिस गृह विभाग से भी काफी कड़े निर्देश दिए गए हैं, लेकिन पुलिस से सहयोग तो डिपार्टमेंट को कम ही मिल पाता है, पूरा प्रयास मिले पूरा को यानी सहयोग मिलता है और ये तो हमारे अधिकारियों को प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग लेकर के एक संयुक्त अभियान चला करके इन अवैध जो कृत हैं, हरकतें हैं, उनको नियंत्रण में रखना चाहिए और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये भी एक बात प्रकाश में आई कि राजनीतिक हस्तक्षेप से ही नहीं, इसके बारे में जो इसके, इसके, एटा के मृतक थे उनके आश्रितों को जिनके लिए वहां के क्षेत्रीय आपको प्रतिनिधि द्वारा कह दिया गया, सहकारिता का बता देता हूँ सहकारिता की हमने समीक्षा किया है, उसके बारे में भी जो चूंकि रबी का सीजन आ रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा खाद और उर्वरक
इस पर ज्यादा यानी कि ध्यान देने के लिए जोर दिया गया है, जिससे किसानों को खाद और बीज की कोई असुविधा ना हो, समय से उनको खाद ही मिल सके, बीज ही मिल सके। मुझे जो समीक्षा के दौरान जानकारी मिली है, हमारे पास में पर्याप्त खाद है और खाद की कोई कमी नहीं है, यूरिया भी पर्याप्त मात्रा में, डीएपी भी है, एनपीके भी है और हम लोग पूरी तरह से रबी अभियान के लिए तैयार हैं। और जहां ये पाया गया कि किसानों को ऋण वितरण है वो कम हुआ है, उसको तेजी से करने के लिए, चूंकि सीजन आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा ऋण वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे दीर्घकालीन ऋण वितरण हैं, जो हमारे एलडीबी के माध्यम से कराए जाते हैं, उनको भी ऋण वितरण के लिए कहा गया है और वसूली के कठोर निर्देश दिए गए हैं। बाकी हमारा जो जिले के अधिकारी हैं, सभी पूरी मेहनत के साथ में लगे हुए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे प्रमुख सचिव सहकारिता एवं आबकारी किशन सिंह अटोरिया। आपने यहां पर आकर अलीगढ़ और आगरा मंडलों के विभागीय अधिकारियों की बैठक ली, उनके कामकाज की समीक्षा की और राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए, लक्ष्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए, जो शराब के अवैध अड्डे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने को कहा और खाद बीज की कोई कमी न रहे किसानों के लिए, ये निर्देश आपके द्वारा दिए गए। न्यू न्यूज के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री।